नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज हम लोग जेक्वेरी में ट्रैवर्सिंग ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें सिबलिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली में सबसे पहला जो मेथड है ये साइडवेज जो डॉम ट्री होता है उसमें से ट्रैवर्स करने के काम में आता है। तो अगर हम लोग एक मेथड देखें कि सिबलिंग्स में एक्चुअली में आप लोगों को ट्रैक कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं इसका एक जेक्वेरी लिख देता हूँ इस मेथड का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस मेथड की। फर्स्ट मेथड है सिबलिंग्स, ठीक है। इस मेथड की हम लोग बात करते हैं, तो अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन के अंदर ये लिखता हूँ डॉलर साइन और मैंने ये लिखा h2 डॉट सिबलिंग्स, ठीक है, डॉट css कलर कॉलन ग्रीन, ठीक है, कलर जो है वो ग्रीन कर दिया मैंने, कॉमा बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड और ग्रीन। तो इसका मतलब क्या निकला मैं अभी बता देता हूं। H2 एलिमेंट, सबसे पहले हम लोगों को डॉम ट्री के अंदर H2 एलिमेंट देखना पड़ेगा। सपोज हमारे पास कुछ टैग्स हैं, जैसे कि डिवीजन टैग हो गया, और ये डिव टैग जो है वो एक्चुअली में पेरेंट डिव टैग है, तो डिव पेरेंट हम लोग लिख देते हैं इसको। और उसके बाद में हमारे पास है यहाँ पर H3 एलिमेंट, ठीक है, और H3 एलिमेंट इसमें है हमारे पास H3 क्लोज हो गया। उसके बाद में हमारे पास P टैग है पैराग्राफ, ठीक है, ये पैराग्राफ क्लोज हो गया। उसके बाद में हमारे पास है H2 एलिमेंट, और ये हो गया H2 एलिमेंट, ये क्लोज हो गया H2। उसके बाद में हमारे पास है फिर से स्पैन टैग, स्पैन टैग, ये स्पैन टैग क्लोज हो गया। उसके बाद में हमारे पास है P टैग, ये P टैग क्लोज हो गया। तो एक्चुअली में हमारे पास ये डिवीजन यहाँ पर क्लोज हो गया। तो इस प्रकार हमारे पास ये क्या हो गया, एक तो ये सबसे पहले ऊपर वाला डिवीजन जो है वो डिवीजन आ गया। उसके बाद में हमारे पास ये H3 आ गया, जैसे कि ये H3 मान के चलिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद में ये P टैग आ गया, उसके बाद में आप लोगों के पास फिर से H2 आ गया, उसके बाद में आप लोगों के पास स्पैन आ गया, उसके बाद में आप लोगों के पास P टैग आ गया। ये मान के चलिए आप लोग, ऐसा ही कुछ आप लोगों का दृश्य होता है। इसमें क्या हुआ, H2 का जो सिबलिंग्स है, H2 के ये दोनों भी सिबलिंग्स हैं और ये दोनों भी सिबलिंग्स हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स का जो कलर है वो एक्चुअली में क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन हो जाना चाहिए। तो हम लोग जो है इसका कलर जो है वो ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि इनका जो कलर है एक्चुअली में वो क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन हो जाना चाहिए। तो इनका जो बॉर्डर कलर है वो क्या हो जाएगा, ये ग्रीन कलर के हो जाएंगे ये वाले पोर्शंस। H2 हट जाएगा और H2 ऐसे का वैसा रहेगा, क्योंकि इनके सिबलिंग्स हम लोगों को चाहिए है, तो इन दोनों का जो कलर है, इन सभी का कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा बॉर्डर कलर। तो सिबलिंग्स का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि एक्चुअली में सिबलिंग्स जो है वो क्या होता है। उसके बाद में सिबलिंग्स में हम लोग मार्किंग भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोगों ने सिबलिंग्स में P लिख दिया, या हम लोगों ने, तो ये सिर्फ P टैग जो है, सिबलिंग्स जो भी H2 के P टैग्स हैं उनको ही क्या करेगा, वो करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का। तो अगर मैंने ये लिखा डॉलर साइन H2 डॉट सिबलिंग्स और मैंने इसमें P टैग लिख दिया, ठीक है, तो ये जो सिबलिंग्स एक्चुअली में P है, जो H2 के सिबलिंग्स हैं उनमें भी जो P है उसका जो CSS है वो ही जो है वो बदलेगा, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ आएगी, ये CSS जो है वो यहाँ पर हम लोग सेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर P टैग 1 और 2 P टैग हैं, तो ये जो बाकी जो P टैग्स हैं, जैसे कि इसका जो कलर हम लोगों ने चेंज किया था, ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो ये देखिए P टैग जो है कौन कौन से हैं, सबसे पहला ये एलिमेंट है H3, ये कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, और ये जो पैराग्राफ है ये वाला चेंज हो जाएगा। ये स्पैन टैग मान के चलिए, यहां पर एक स्पैन टैग है और ये आप लोगों का P टैग था, ठीक है। तो हम लोगों का जो कलर है एक्चुअली में वो क्या हो जाएगा, इनका जो बॉर्डर कलर है, यानी कि ये वाला जो P है उसका बॉर्डर कलर और ये जो वाला P है उसका बॉर्डर कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। तो इसमें हो गया आप लोगों के पास फिल्टरिंग, कि आप लोग जो है सिबलिंग्स मेथड में भी क्या कर सकते हैं, फिल्टरिंग आप लोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग हटा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों के नेक्स्ट मेथड की, ठीक है। तो दूसरा वाला जो मेथड है एक्चुअली में वो क्या है, नेक्स्ट मेथड। दूसरा वाला मेथड है नेक्स्ट। नेक्स्ट मेथड क्या काम करेगा, जस्ट नेक्स्ट जो है एच टू का जो नेक्स्ट है उसे ही आप लोग जो है मार्क कर सकते हैं। जैसे कि एच टू का नेक्स्ट जो है वो स्पैन टैग है, ठीक है, ये स्पैन टैग है, तो इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं, इसको हम लोग ये दे सकते हैं। तो डायरेक्टली आप लोग लिखें $H2.next। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट लिखेंगे डॉट सी एस एस उसकी चेंज करेंगे, तो वो जो नेक्स्ट होगा एच टू का उसे आप लोग क्या कर सकते हैं, इस एच टू का जो नेक्स्ट होगा, ठीक है, उसे आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं। तो ये एच टू आप लोगों का था, इसका जो नेक्स्ट है वो स्पैन टैग था, तो बाकी जो है वो ब्लू हो जाएंगे और ये सारा जो ये वाला है ये ग्रीन हो जाएगा। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि ये वाला जो है वो एज इट इज रहेगा, ये वाला भी एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो वाला है आप लोगों के पास ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। इस नेक्स्ट के अंदर क्या होता है, इस नेक्स्ट के अंदर जो एच टू जो भी आप लोग सेलेक्टर यूज करते हैं उसका जो नेक्स्ट होता है उसे आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है थर्ड मेथड यानी कि नेक्स्ट ऑल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट ऑल के अंदर क्या होगा, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही फेमस हो गया नेक्स्ट ऑल, नेक्स्ट ऑल, नेक्स्ट ऑल का मतलब क्या निकला, डॉलर साइन एच टू मैंने यहां पर लिखा डॉट नेक्स्ट ऑल। अगर मैंने यहां पर नेक्स्ट ऑल लिख दिया, नेक्स्ट ऑल का मतलब सीधा सा सिंपल सी बात है कि जितने भी आप लोगों के पास मेथड्स हैं उनमें नेक्स्ट ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑल का मतलब बाकी के जितने भी, तो ये स्पैन टैग और पैराग्राफ टैग है, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ऑल हो जाएगा। तो हम लोग इसको जेक्वेरी को लिखते हैं डॉलर साइन एच टू डॉट नेक्स्ट ऑल डॉट सी एस एस, इसमें आप लोगों के पास हो जाएगा कलर कॉलन ग्रीन कोमा बॉर्डर, यहां पे आ जाएगा आप लोगों के पास 2 pixels जो आप लोग देना चाहते हैं, जैसे कि 2 pixels सॉलिड और ग्रीन यहां पर दिया हुआ है, तो 2 pixels हो गया सॉलिड हो गया और ग्रीन हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेरी है ये क्या काम करेगी, जितने भी हैं यानी कि आप लोगों के पास स्पैन टैग है और आप लोगों के पास पैराग्राफ टैग है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ग्रीन मार्क हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ऑल का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोगों के पास है नेक्स्ट अनटिल, नेक्स्ट अनटिल का मतलब समझ में आ गया होगा, नाम से ही फेमस है ये एक्चुअली में। नेक्स्ट आप लोगों के पास है नेक्स्ट अनटिल, नेक्स्ट अनटिल मेथड क्या काम करता है, नेक्स्ट अनटिल मेथड काम करता है जहां तक पहुंचेगा वहां तक आप लोगों को क्या कर देगा, मार्क कर देगा, वहां पर आप लोगों की सीएसएस जो क्वेरी है वो अप्लाई कर देगा। तो ये हो गया नेक्स्ट अनटिल मेथड, हम लोग देख लेते हैं। देखिए डॉलर साइन हम लोगों ने लगाया यहां पर एच टू, वही सेम डॉट नेक्स्ट अनटिल। अब हम लोग अनटिल कहाँ तक करें, जैसे कि हम लोगों ने कर लिया सपोज पी टैग को हम लोग मार्क कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने पी टैग मार्क कर लिया कि इसके बाद में जो नेक्स्ट है उसकी जो सीएसएस है वो चेंज कर दो आप लोग। तो यहाँ पर नेक्स्ट अनटिल मेथड क्या काम करेगा, एच टू और जहाँ पर भी आप लोगों को पी मिलेगा वहाँ तक आप लोगों का क्या कर देगा, उस चीज़ को चेंज कर देगा। तो डॉट सीएसएस हम लोग यहाँ पर लगाते हैं और ये जो सी एस एस हमने लगाई है वो यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक डिवीजन सेक्शन करते हैं कि ये डिव टैग है और इस डिव का अंदर आप लोगों के पास है एच वन एलिमेंट, ठीक है, उसके बाद में है आप लोगों के पास एच थ्री एलिमेंट, उसके बाद में आप लोगों के पास है पी एलिमेंट सपोज, और उसके बाद में आप लोगों के पास है एच टू एलिमेंट, उसके बाद में आप लोगों के पास है स्पैन एलिमेंट, उसके बाद में आप लोगों के पास है एच थ्री एलिमेंट, उसके बाद में आप लोगों के पास है पी एलिमेंट, उसके बाद में आप लोगों के पास है एच वन एलिमेंट, उसके बाद में आप लोगों के पास है फिर से स्पैन एलिमेंट। तो ये एलिमेंट आप लोगों के पास है। तो नेक्स्ट अनटिल एक्चुअली में क्या काम करेगा, एच टू यहाँ पर देखेगा एच टू है, उसका जो नेक्स्ट
अनटिल है वो पीक कहाँ तक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो आप लोगों का जो एक्चुअली में यहाँ तक जो है, ये जो दो टैग हैं ये क्या काम कर देगा, ग्रीन कर देगा, पीक आप लोगों का नहीं करेगा क्योंकि ये यहाँ तक पहुँचेगा, उसके बाद में इन दोनों को ग्रीन कर देगा और बाकी को छोड़ देगा। तो ये होता है नेक्स्ट अनटिल मेथड। अब हम लोग फिफ्थ पर चलते हैं। हमारे पास फिफ्थ पर क्या है, हमारे पास ये देखिए फिफ्थ पर है हमारे पास नेक्स्ट अनटिल हो गया प्रीवियस। अब ये सिबलिंग्स हम लोगों ने देखा था, नेक्स्ट देखा, प्रीवियस देखा, प्रीवियस ऑल, प्रीवियस अनटिल, ये तीन मेथड हमारे पास है, प्रीवियस, प्रीवियस ऑल एंड प्रीवियस अनटिल, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्री प्रीवियस प्री मेथड हो गया हमारे पास, पी आर ई प्रीवियस, पी आर ई वी प्रीवियस, ये प्रीवियस हो गया। और ये क्या काम करेगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं प्रीवियस का एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पर डॉलर साइन और एच टू सेलेक्ट किया और उसके अंदर मैंने यहाँ पर लगा दिया प्रीवियस, ठीक है, डॉट सी एस एस, उसका जो सी एस एस था वो मैंने ग्रीन कलर वाला चेंज कर दिया। तो ये क्या काम करेगा, जितने भी एच टू से प्रीवियस हैं, ठीक है, एच टू से प्रीवियस कौन सा है आप लोगों के पास, एच टू से जस्ट प्रीवियस है पी टैग, ठीक है, इनको इसको क्या काम कर देगा, इसका जो सी एस एस है वो चेंज कर देगा। अब हमारे पास है प्रीवियस ऑल, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास है प्रीवियस ऑल और प्रीवियस अनटिल। तो दूसरा जो मेथड है वो है प्रीवियस ऑल, ये क्या काम करेगा, डॉलर साइन एच टू डॉट प्रीवियस ऑल, अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया डॉट सी एस एस, तो जितनी भी एच टू से ये वाला भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी, इन तीन टैग्स को हम लोगों को क्या कर देगा, उनकी जो सी एस एस है वो चेंज कर देगा। तो ये प्रीवियस ऑल आप लोगों के पास समझ में आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट आता आप लोगों के पास प्रीवियस अनटिल, जैसा कि आप लोगों का नेक्स्ट अनटिल था वैसे ही प्रीवियस अनटिल भी आप लोगों के पास है, ठीक है। तो नेक्स्ट अनटिल का मतलब होता है हम लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ फिल्टरिंग आप लोगों को देनी पड़ती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा दिया एच टू के बाद एस थ्री, तो यहाँ पर मैंने लगाया डॉलर साइन एच टू डॉट प्रीवियस अनटिल और मैंने यहाँ पर दे दिया आप लोगों के पास एच थ्री डॉट सी एस एस, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, ये प्रीवियस अनटिल में क्या काम करेगा, यहाँ तक जो है एस थ्री अगर मैंने दिया है तो ये सिर्फ पी टैग को क्या काम कर देगा, प्री टैग की जो सी एस एस है उसे ही आप लोगों की चेंज कर देगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने सिबलिंग्स के जो साइडवेज मेथड्स हैं वो आप लोगों को बताए हैं। सिबलिंग्स क्या है, सिबलिंग्स का मतलब है जितने भी सिबलिंग्स हैं वो टोटली आप लोगों का क्या कर देगा, उनको मार्किंग कर देगा। नेक्स्ट मेथड होता है जस्ट नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट ऑल होता है सभी के सभी, नेक्स्ट अनटिल क्या काम करता है जो है जहाँ तक आप लोगों का है उन इन बिटवीन आप लोगों का ले लेता है। सिमिलरली आप लोगों का ये तो चलते हैं नेक्स्ट मोड में और ये चलते हैं प्रीवियस मोड में, ठीक है। तो ये भी जेक्वेरी का ट्रेवर्सिंग का ही एक पार्ट है जिसे आप लोगों को समझना था। इसके बाद में हम लोग फिल्टरिंग भी देखेंगे कि एक्चुअली में फ़िल्टरिंग करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं और उन सभी को समझेंगे ताकि हम लोग जेक्वेरी के अंदर परफेक्ट बन सकें, आसान बन सकें, इजीली हम लोग काम कर सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।